हेलो डेयर स्टूडेंट, माय सेल्फ संतोष सर। यूनिक कांसेप्ट ऑफ फिक्स से देखिए, बहुत ही बेस्ट कांसेप्ट वाला है, जेईई नीट और एमएस क्लास के लिए। क्या है ये? पुल्ली ब्लॉक सिस्टम का बहुत ही बेस्ट केसेस है। क्या जब ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पे हो तब हम उसका टेंशन एक्सेशन कैसे मेजर करेंगे ये सीखने वाले हैं। इंक्लाइंड सरफेस की बात करने वाला। ओके बच्चों, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है, इसमें क्या कहा गया, ये होगा केस फाइव, व्हेन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस। ये मेन मैटर है, इंक्लाइंड सरफेस पे होने पे आप उसका एवीडी कैसे ड्रॉ करोगे, फोर्स कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये सीखना होगा। ये न्यू कंसेप्ट हुआ आपके लिए। क्या कह रहा है देखिए, इसका फिगर कैसा है, ये है इंक्लाइंड सरफेस। इसमें यहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है इस ग्राउंड से, यह है ना इसका ग्राउंड। ग्राउंड से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है ये सरफेस, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे। तो यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, M1 मास का है, और यहां एक पुल्ली होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग का डायरेक्शन से करना, टेंशन का डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करना है ना, चेंज करना है। और यहां पर भी एक ब्लॉक है M2, दो ब्लॉक है, इसका एक्सेशन इधर की ओर और इसका एक्सेशन इधर की ओर है। तो बच्चों टेंशन है यहाँ पे, क्या लगता है आपको, दो स्ट्रिंग है या एक ही स्ट्रिंग है? एक ही स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग यहां से इधर की ओर आया हुआ है, तो टेंशन सेम होगा ना, एक ही टेंशन होगा, सिर्फ टी होगा। तो टी को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं, दिखा देता हूं। यहाँ पे आपको टी दिखाना है, किधर होगा, अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट ना, कॉन्टैक्ट पॉइंट यही है ना, इससे अभी इधर होगा टेंशन। अब देखिए दूसरा कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है, तो इस पर टेंशन किधर दिखाओगे आप, टी यहाँ पे होगा। दूसरे में देखिए यहाँ पे है, इससे इससे अवे टेंशन होगा यहाँ पे, और इससे अवे टेंशन होगा इधर की ओर। टेंशन रिप्रेजेंट कर दिया आपने, टेंशन तो जानते हैं आप, टेंशन रिप्रेजेंट कैसे करते हो, लेकिन इंक्लाइंड सरफेस पे है तो एमजी को रिजोल्व कैसे करोगे ये सीखना है। यहाँ मेन मैटर वही है, यहाँ पे जब थीटा है इस पे और कौन सा फोर्स लग रहा होगा जरा बताइए, M1G लग रहा होगा, नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, M1G। अब इस M1G को रिजोल्व करना है, सरफेस के पैरेलल और सरफेस के परपेंडिकुलर ना, सरफेस के पैरेलल और सरफेस के परपेंडिकुलर रिजोल्व करना है इसे। तो सरफेस के परपेंडिकुलर में यही आएगा ना, इधर की ओर और इधर की ओर नॉर्मल कहलाएगा ये, और सरफेस के परपेंडिकुलर बच्चों सरफेस के पैरेलल कौन सा होगा, यही ना, ये लाइन सरफेस के पैरेलल है ना, इस सरफेस के पैरेलल लाइन है, पैरेलल कंपोनेंट होगा, इधर में सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब सवाल है कि यहाँ पे आप एंगल कहाँ पर दोगे, दो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एंगल फॉर्म होने से जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर भी M1G से जो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म हो रहा होगा ना, उसे ही एंगल मानना है। तो एंटी क्लॉकवाइज तो आपका ये जा रहा है ना, ये एंगल ना एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर इसे आप रिप्रेजेंट करते हो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, क्लॉकवाइज वाले एंगल को नहीं लेना, जो यहाँ पर शो करेगा उसी एंगल को लिखना है हमें। तो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म होगा, जब हमें थीटा मिल गया तो हम कंपोनेंट लिख लेंगे आसानी से, यहाँ जिसके साथ एंगल फॉर्म करता है उसे क्या लिखते हैं, M1G cos थीटा लिखते हैं। तो दूसरा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, M1G sin थीटा हो जाएगा।
यही मेन रोल है यहाँ पर, इसे ध्यान रखना है। हमने क्या कहा, इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ये ध्यान रखना है। अगर इंक्लाइंड एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके कहीं भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही फॉर्म करेगा वो। अगर इंक्लाइंड क्लॉकवाइज है तो किसी भी पॉइंट पे एंगल वो क्लॉकवाइज ही रिप्रेजेंट करेगा। जब एंगल आप पता कर लेते हो ना तो रिजोल्व करना आसान हो जाता है आपके लिए। पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेजर करना आसान हो जाता है, आसानी से आप उसे मेजर कर सकते हो। तो ऐसा तो हमने फोर्स रिप्रेजेंट कर दिया, अब आपको एफवीडी ड्रॉ करना है। देखिए एफवीडी ऑफ ब्लॉक M1 ब्लॉक का एफवीडी ड्रॉ करता हूं, क्या होगा देखिए, ऐसा ही है ना। तो सरफेस के इधर की ओर देखिए, पी टेंशन लग रहा है इधर, एक्सेशन इसका इधर की ओर है, इधर में कौन सा कंपोनेंट है, M1G साइन थीटा है, क्वेश्चन है ना। तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, एक्सेशन की ओर वाले को पहले लिखना होता है, M1G साइन थीटा इज इक्वल टू M1 A हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल सरफेस टू इक्वेशन किधर है, ये आपने जो इक्वेशन लिखा, इक्वेशन पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के पैरेलल इक्वेशन लिखा हमने, अब हमें सरफेस के परपेंडिकुलर इक्वेशन लिखना है, जबकि उसका यूज नहीं है। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर इक्वेशन लिखना चाहते हो तो क्या होगा, इक्वेशन परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो क्या होगा बच्चों, आपने क्या देखा यहाँ पे, ऐसे ही ना ब्लॉक है M1, इधर की ओर इस पर नॉर्मल लग रहा है और इधर का कंपोनेंट क्या है, M1G cos थीटा, ये तो इक्विलिब्रियम में है ना, क्या अप डाउन में एक्सेशन है क्या, इधर एक्सेशन तो जीरो है, इधर तो एक्सेशन जीरो है, तो क्या लिखोगे आप, इक्विलिब्रियम में है, एफनेट जीरो हो जाएगा, एक्सेशन जीरो मतलब एफनेट जीरो मतलब ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा, और जब इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या होता है, एक एक साइड का फोर्स दूसरे साइड के बराबर हो जाता है, जहाँ पे एन बराबर क्या लिखोगे आप, M1G cos थीटा लिखना होगा, ठीक है। तो लेकिन मेन हमें इक्वेशन इसी इक्वेशन का यूज करना है बच्चों। तो आइए अब हम लोग दूसरे ब्लॉक का एफवीडी ड्रॉ करते हैं, एफवीडी ऑफ ब्लॉक M2 होगा, M2 ब्लॉक का एफवीडी ड्रॉ करना है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की ओर टेंशन T है सेम एस्टिंग है ना, T होगा यहाँ पर, नीचे क्या होगा M2G, एक्सेशन है नीचे की ओर, इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, एक्सेशन है ना, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, सेकेंड इक्वेशन आ गया, इसका मास M2 है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको T माइनस M1G साइन थीटा प्लस M2G माइनस T इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे, M1A प्लस M2A, यही होगा, इधर से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा M2 माइनस M1G इक्वल टू, इधर A कॉमन ले लीजिए, M1 प्लस M2 होगा, तो A इक्वल टू क्या होगा बच्चों, M2 माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा, देख लिया आपने, एक्सेशन ये हो जाता है।
लेकिन सवाल है यहाँ पे, मैंने बच्चों गलतियाँ कर दी, कुछ नहीं गलती कर दी, सॉरी 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 बच्चों गलतियाँ हो गई। सांचिटा गया कहाँ? सांचिटा तो लिखना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पर एम टू एम वन जी सांचिटा और केसेस से डिफरेंट है। तो आपको क्या करना होगा, प्लस वाले को पहले लिख दो आप, एम टू जी माइनस एम वन जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉमन एम वन प्लस एम टू होगा। अब आप क्या करोगे, इसमें जी कॉमन ले लीजिए, एम टू माइनस एम वन साइन थीटा इंटू जी बराबर ए एम वन प्लस एम टू हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम टू माइनस एम वन साइन थीटा इंटू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। ठीक है, अगर समझ में एक्सेशन साइन थीटा के फॉर्म में हो गया। अब आपको टेंशन भी तो मेजर करना है। टेंशन के लिए क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख लीजिए एक्सेशन का वैल्यू, या सेकेंड में रख लीजिए, टेंशन मेजर करना है। फॉर टेंशन टी बाय इक्वेशन वन, देखिए तो क्या है, इक्वेशन वन टी माइनस एम वन जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वन ए है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वन ए प्लस एम वन जी साइन थीटा हो जाएगा। इसमें एम वन इंटू ए का वैल्यू रख लीजिए, क्या आया है, एम टू माइनस एम वन साइन थीटा इंटू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम वन जी साइन थीटा, यही होगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, तो अंदर वाले का पहले एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, फिर एम वन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सब में। सिंप्लीफिकेशन जानते हैं आप, इसका क्या होगा, तो अंदर में यहाँ बाहर में एम वन होगा, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एम वन प्लस एम टू, यहाँ क्या होगा, एम टू माइनस एम वन साइन थीटा इंटू जी प्लस जी है ना, प्लस इसके साथ एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। एम वन जी जगह कम है, साइन थीटा क्या मैं यहाँ लिख दूँ, एम वन प्लस एम टू, समझ जाओगे आप, समझ जाना है। तो इसके आगे क्या करोगे, एम वन और इसके अंदर में आ जाएगा एम वन प्लस एम टू है, तो यहाँ पर जी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एम टू जी माइनस एम वन साइन थीटा जी प्लस, यहाँ पर क्या होगा, एम वन जी साइन थीटा इंटू समथिंग है, तो इसे आप सॉल्व कर लोगे, एम वन स्क्वायर साइन थीटा, स्पेस कम होने के कारण बच्चों दिक्कत हो रही है मुझे, तो लिख लेता हूँ, क्या करोगे, एम वन जी साइन थीटा है, एम वन स्क्वायर साइन थीटा प्लस एम वन स्क्वायर साइन थीटा जी प्लस, यहाँ क्या होगा, एम वन एम टू साइन थीटा, एम वन एम टू साइन थीटा हो जाएगा। इससे कटेगा क्या, एम वन स्क्वायर साइन थीटा जी है, इस एम वन से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप, इस एम वन से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया, यहाँ पर एम वन है। अब इसके आगे क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, सॉरी बच्चों ये जो एक्सेशन है ये तो इसके साथ है ना, ये तो बाहर है, ये तो बाहर है। तो आप पहले क्या करोगे, आप यहाँ पे
यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या, पहले एम वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एम वन एम टू जी माइनस एम वन स्क्वायर साइन थीटा जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम वन जी साइन थीटा होगा। एलसीएम ले लीजिए एम वन प्लस एम टू, तो ये क्या होगा, एक सेम रह जाएगा ना, एम वन एम टू जी माइनस एम वन स्क्वायर साइन थीटा जी प्लस एम वन जी साइन थीटा। अब क्या होगा, एम वन प्लस एम टू हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एम वन एम टू जी माइनस एम वन स्क्वायर जी साइन थीटा प्लस, इससे मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा, एम वन स्क्वायर जी साइन थीटा प्लस एम वन एम टू आ जाएगा डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू होगा। तो कोई कैंसिल होगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू एम वन एम टू जी बाई एम वन प्लस एम टू। समझ गए ना बच्चों, तो ये सब सिंपल कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो डेली देखते रहिए, स्टेप वाइज देखते रहिए, आप इसे सीखे या नहीं ये अपने आप को सोचिए। आपने अगर नहीं सीखा तो फिर से वीडियो को देखिए, फिर से वीडियो पॉज करके बार बार इसे देखिए और इसे कंप्लीट करिए, सीखने की कोशिश करिए बच्चों, धीरे धीरे आप देखिए लेकिन सीखिए। आपको ये क्वेश्चन इसी से रहेगा, यही क्वेश्चन होता है, इसी टाइप से क्वेश्चन होता है। जब आप कंसेप्ट को सीख जाते हो ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने लगता है, सोचने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाती है, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। लेकिन आप कंसेप्ट को ही इग्नोर करते हो और क्वेश्चन पे डायरेक्ट उतर जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखकर अपने से लिख लेने से कुछ नहीं होने वाला है, कोई आपका हेल्प नहीं करेगा बच्चों। आपको क्वेश्चन के पीछे लगना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा कंसेप्ट, कंसेप्ट जब आप सीख गए तो क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन पे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप आपको बहुत सारा क्रिएट आइडिया मिलते चला जाएगा। आप देखा ना यहाँ पे क्या 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 आइडिया मिला आपको, इससे ये कंसेप्ट हमें क्या आइडिया दिया, यही आइडिया हर क्वेश्चन में भी होता है, ठीक ना बच्चों। तो आपको सीखने की कोशिश करना है, सीखे या नहीं ये डिसाइड करना है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट आने वाला है। वीडियो देखना नहीं भूलिए, डेली देखते रहिए, वन बाय वन वीडियो को कंप्लीट करते चलिए। उबना नहीं है, बिल्कुल स्लोली वे में देखना है, सीखना है, कम पढ़िए ज़्यादा सीखिए, ये ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।